Hello everyone, I am Shiva Gupta Narayan, founder of Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who appeared for MBA CUET 2021 exam because I'm going to discuss about the first cut analysis. आपको पता है कि आज MBA CUET का first slot का exam हो गया है, ठीक है? तो guys, ये video बहुत important बना है, आपको idea लग जाएगा कि paper कैसा आया है, जिससे आगे जो students देने वाले हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। चलो guys, without wasting time, start कर देते हैं, काफी लोग excited हैं। तो गाइस पेपर सरप्राइज दे गया इस बार बिकॉज पहली बात ये है कि इस बार पेपर को कंडक्ट किसी और बॉडी ने किया दैट इज एक्सपेक्टेड था और मेन सरप्राइज जो था वो ये था कि पेपर आपका जंबल्ड था पूरा आपके सेक्शंस नहीं थे मतलब पहला क्वेश्चन आपका क्वांट का आ रहा है दूसरा आपका एलआर का आ रहा है तीसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट का आ रहा है ऐसा कभी अब तक सीटी में नहीं हुआ था पहले नहीं हुआ है ठीक है अब 4-5 साल में तो कभी देखा नहीं गया है आप लोगों ने मॉक से भी यही दिया मतलब ये बहुत बड़ा सरप्राइज था बट अच्छी बात क्या है मतलब पेपर टफ नहीं था पेपर मतलब जैसे बहुत टफ पेपर नहीं था पेपर के क्वेश्चंस इजी थे तो एक लोग डिस्कस कर लेते हैं तो पेपर इस तरह का थोड़ा सरप्राइजिंग था काफी लोगों के लिए क्योंकि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा पेपर आएगा जैसे अगर बात करें क्वांट्स की तो गाइस क्वांट्स का जो पेपर क्वांट्स के जो क्वेश्चन थे वो एक लाइन के थे कि वन लाइनर मान सकते हो काफी लोगों ने बोला बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन थे मतलब क्वांट्स आराम से कर लोगे क्वांट्स में डीआई नहीं थी क्वांट्स में इस बार डीआई नहीं आई थी ऐसा नहीं हुआ ठीक है तो क्वांट्स इजी था गाइस ठीक है सबने बोला क्वांट्स इजी है ठीक है देन वी कम टू देन लेट्स टॉक अबाउट द एलआर सेक्शन एलआर सेक्शन में बेसिकली क्या है एलआर सेक्शन में भी इजी था एलआर सेक्शन में भी पजल्स वगैरह कुछ एक दो टफ थे मतलब ट्रिकी थे बाकी ओवरऑल टफ नहीं था एलआर सेक्शन भी तो एलआर सेक्शन में इंडिपेंडेंट क्वेश्चन जो थे आपके ब्लड रिलेशन वगैरह जिसके भी थे वो सब नॉर्मल क्वेश्चन थे ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया था एलआर एंड पॉइंट्स इजी था ठीक है एलआर एंड पॉइंट्स इजी था डूएबल था आराम से कर लोगे ठीक है देन वी कम टू वीआरसी वीआरसी वाज मोर ऑक्यूपाइड विद वोकैब थोड़े टफ वोकैब थे ऐसा सुनने में आ रहा है वोकैबलरी से बहुत ज्यादा भरा हुआ था आरसी जो थे वो थोड़े टफ थे मतलब वीआर थोड़ा अलग था ठीक है मतलब वोकैबलरी बहुत ज्यादा थी वीआरसी में और वोकैबलरी के वर्ड्स थोड़े टफ थे ठीक है और आरसी थोड़े हैवी थे शायद मेरे ख्याल से 3-4 आरसी आए हुए ठीक है तो ये ठीक है तो ये हमारा मान लो कि मॉडरेट या टफ मॉडरेट और टफ बोल सकते हैं उसको ठीक है वीआरसी आपका मॉडरेट टफ था एब्स्ट्रैक्ट आपका नॉर्मल था ठीक है एब्स्ट्रैक्ट आपका एक तरह से मॉडरेट मान लो आप कुछ लोग इजी बोल रहे हैं कुछ लोग मॉडरेट बोल रहे हैं ठीक है तो ये था तो ये चीज थी तो मतलब इसको आप मॉडरेट मान सकते हो गाइस ओवरऑल पेपर जो था वो इजी था ठीक है मॉडरेट या इजी मान लो उसको आप ठीक है तो गाइस ओवरऑल पेपर इजी था वाकई मतलब ओवरऑल पेपर को आप पिछली बार से अगर कंपेयर करो तो इजी माना जाएगा ठीक है क्योंकि पिछले पेपर उतना इजी नहीं था इस बार क्योंकि दूसरी कंपनी ने कंडक्ट किया एडियस पर और कल एमसीए का पेपर हुआ था तभी मुझे आइडिया लग गया था कि एमसीए में भी यही सब आता है कोडिंग एक कंप्यूटर का सेक्शन और होता है उनका जंबल पेपर था तो मैंने ऑलरेडी बताया था बच्चों को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है आपको ठीक है मेन चीज क्या है गाइस ये तो आपने देख लिया पेपर इजी था आपको बस आपको देखो नॉलेज काम नहीं आ रही यहाँ पे मैंने आपको बोला था एनालिसिस में अगर पेपर इजी आएगा तो नॉलेज काम नहीं आएगी ज्यादा काम आएगा कैसे करना है तो आपको गाइस किसी क्वेश्चन को अपने ईगो में नहीं लेना है जो लोग देने वाले एग्जाम के लिए बता रहा हूँ जो आपको आता है करो भागो आगे इसके पे ना करो ढंग से पढ़ना क्वेश्चन जल्दीबाजी गलत मत करना ठीक है और मेक श्योर सारे 200 क्वेश्चन देखो गाइस कट ऑफ ज्यादा जाएगा लोगों ने 170 तक जेन्युइन अटेम्प्ट्स किए हैं ठीक है तो स्पीड वाला गेम है कट ऑफ ज्यादा जाएगा मैं कट ऑफ को रात को बताऊंगा आपको डिटेल्ड एनालिसिस में अभी ये डिटेल्ड एनालिसिस है ये एक फर्स्ट कट एनालिसिस है कैसा गया आपको एक नई चीज बता रहा हूँ मैंने कई बोली है मैंने आपको बोला कई बार वीडियो में कि नॉन कैट एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं मतलब क्वेश्चन की नई वेरायटी नहीं बनती है कैट की तरह कैट का पेपर हमेशा नया मिलेगा आपको पर नॉन कैट में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन आता है और ऐसा हो रहा है इस बार मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैं ये स्क्रीनशॉट में क्यों दिखा रहा हूँ जिससे आप लोग मॉक एनालाइज करो ठीक है देखो 5 क्वेश्चन आए थे मॉक से ऐसा सारे मॉक के साथ हुआ होगा क्योंकि गाइस नॉन कैट में क्वेश्चन बन ही नहीं पाते हैं तो या तो वेरायटी सेम आती है ठीक है या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम आ जाएगा मैंने नॉन कैट के लिए कई बार बोला नॉट ओनली फॉर सीईटी एनमैट स्नैप सीईटी सीमैट एसआरसीसी सबके लिए ये चीज वैलिड है क्योंकि वो लोग क्वेश्चन बनाते ही नहीं है 2 दिन पहले क्वेश्चन यहाँ वहां से कॉपी करते हैं वो लोग ठीक है तो ये चीज होती है इसकी तो आपको नॉन टेट एग्जाम्स के लिए आपको मॉक्स अच्छे से एनालाइज करना चाहिए बिकॉज वैरायटी सेम आ जाती है ठीक है आप देख सकते हो अभी बहुत सारे स्क्रीनशॉट में पड़े हुए मेरे पास तो जो भी आपने मॉक ले रखा है उसको अच्छे से एनालाइज करो जिन लोगों को देना है 18 तारीख को कल शायद आपको कुछ क्वेश्चन वैरायटी मिल जाए एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हर जगह हर बार नहीं आएगा बट उसी टाइप का क्वेश्चन तो आराम से आ जाता है बिकॉज क्वेश्चन बनते ही नहीं है नॉन टेट में ना पॉसिबल नहीं है और इतना टाइम ही होता है कि बस नया क्वेश्चन क्रिएट करे बैठ के 200 क्वेश्चन सब क्वेश्चन यहाँ वहाँ के होंगे कहीं ना कहीं के समझ रहे हो तो ये चीज है गाइस तो अच्छे से कर लो गाइस जिन लोग हो गया बाकी कट ऑफ ज्यादा जाएगा उनको लग रहा टॉपर का तो 180 प्लस जाएगा उससे कम नहीं जाएगा टॉपर का बिकॉज जब पिछली बार ही इतना ज्यादा गया था टॉपर का तो इस बार पेपर इजी आया था पिछली बार से काफी इजी मान लो आप क्योंकि डीआई नहीं आई डीआई में कितना टाइम बर्बाद होता है लोगों का डीआई नहीं आई ठीक है
और पजल भी दो तीन पजल छोड़ के बाकी सब नॉर्मल था, इजी था। ठीक है, वी आर सी मॉडरेट मॉडरेट, हाँ वी एब्स्ट्रैक्ट लोगों को मॉडरेट इजी लगी, बस टफ था तो आरसी, बस आरसी टफ थी, बाकी सब कुछ इजी था। कौन से लोगों ने, मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनका मॉक में कम आता था उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट करे। ठीक है, ये चीज है। तो गाइस यहाँ पे स्पीकर रखे हैं ये, तो जिन लोगों ने नॉर्मल मॉक्स दिए थे, मतलब देखो हर बंदे ने सब मॉक्स दिए होंगे, कोई ऐसा नहीं हो सकता किसी ने ये मॉक दिया हो। गाइस ये पेपर को आप ये मत समझना कि ऐसा हमेशा आएगा, जिन लोगों ने टफ मॉक दिए तो अच्छा किया, आपने बैकअप होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि कुछ नहीं बोल सकते कैसा आएगा पेपर, तो कहीं ये बोलता हूँ कि आपको चार टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए इजी, मतलब इजी से इजी। इस बार तो ऐसा हो गया कि सीटी से इजी पेपर आ गया, पहला पेपर अभी आया नहीं इस तरह का, तो अलग बात है। जनरली आपको सीटी लेवल और उससे ऊपर के मार्क्स लेने चाहिए, और हमेशा तीन चार टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए कि यू नेवर नो क्या हो जाए। यही हुआ यहाँ पे, पेपर टफ नहीं पेपर इजी आ गया इस बार। ठीक है, तो ये चीज है, बट ये चीज हमेशा नहीं होगी, ऐसा नहीं कि हर वक्त अगले साल इजी आएगा, ऐसा नहीं जरूर। ठीक है, चलो गाइस, सो दिस वाज अबाउट वीडियो, बाकी मुझे मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा सेक्शन बाय सेक्शन का रात को, फिर वीडियो डालता हूँ। ठीक है, चलो गाइस, यू ऑल कैन लीव नाउ।